अस्सलाम वालेकुम, कॉमर्स आन के कबीले में खुश आमदी। आज का टॉपिक जो है वो हमारा एसेट एंड इक्विटीज या अकाउंटिंग टर्म्स कहलाती है। मैं और भी टर्म्स आपके सामने डिस्कस करूंगी, लेकिन आज हम सीख रहे हैं एसेट्स एंड इक्विटीज। तो एसेट और इक्विटीज में फर्क क्या है और ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज है एसेट। एसेट के मीन्स है रिसोर्सेज और इक्विटीज के मीन्स है सोर्सेज, यानी अगर जरिए, यानी जिसके जरिए आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो किसी की जराए से खरीदेंगे आप। इट मीन्स के कौन सा जराए होगा, क्या सोर्स होगा आपका उसका। तो हमने इसको डिवाइड किया है, हमने अकाउंटिंग ने जिन्होंने ये टर्म्स क्वाइन किए हैं उन्होंने डिफाइन किया है कि यानी एसेट्स डिवाइड होगा करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में, और इक्विटीज डिवाइड हो रहा है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि इन दोनों के बिना ये बिल्कुल भी इक्विटीज नहीं कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर लायबिलिटी फर्दर डिवाइड हो रहा है करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब है कि वन ईयर के अंदर अंदर यूज होने वाली चीजें या आइटम या जो भी आप इस्तेमाल करें, और नॉन करंट का मतलब है मोर देन वन ईयर। ओके, कैपिटल डिवाइड नहीं होता, लेकिन कैपिटल के दो तीन मीनिंग्स हैं, यानी दो तीन वर्ड्स कैपिटल के लिए यूज किए जाते हैं। पहला है ऑनर इक्विटी, दूसरा है प्रोपेटरशिप या प्रोपेटर। ये दोनों वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। ये थी यहां तक, और अभी हम सीखेंगे इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मौजूद थे हमारे पास, वो थे एसेट एंड इक्विटीज। तो इक्विटीज तो मोस्टली अकाउंटिंग इक्वेशन में डायरेक्टली यूज नहीं होता, लेकिन क्या यूज होता है वो देख लेते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी हमने उनको डिवाइड कर दिया था इक्विटीज को लायबिलिटी प्लस कैपिटल में, तो ये चीज हमारी कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। बिकॉज जैसे मैथ में बहुत सारी इक्वेशन होती हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग में भी ये हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन मौजूद है। मैंने दो तीन क्वेश्चंस निकाले हैं ताकि आपको समझा सकूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन, ये तो बहुत छोटे पैमाने पर हम काम करें, जब बड़ी सी अकाउंटिंग इक्वेशन पर हम काम करेंगे तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर आ जाइए, देखें। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास मौजूद है ए यानी एसेट हमारे पास 10 मौजूद है, लायबिलिटी जो है वो 3 है, और सी हमें मालूम नहीं। तो जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल होता है, जो चीज आपको ना मालूम हो उसको हम इक्वल टू के एक साइड पर रख देते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया कि हमारी इक्वेशन तो ये थी, लेकिन हमें क्या मालूम करना था, सी। तो हमने सी को अकेला छोड़ दिया और एल को इधर लिया है। और ये तो यकीनन मैथ का रूल है कि जब इक्वल टू के दूसरी तरफ कोई भी साइन जाती है तो वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जब ये प्लस ये वाली साइन, ये वाला जो अल्फाबेट है वो उठ के इधर आएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी और वो इस तरीके से बन जाएगा। तो अब देखें हमारे पास क्या मौजूद है। अगर हम देखा जाए तो 10 - 3 तो इज इक्वल टू 7, हमारे पास आंसर आ गया। कैपिटल कितना होगा, 7, जस्ट लाइक सेकेंड क्वेश्चन। ए हमें मालूम नहीं, एल हमें मालूम है 4, और सी यानी 6 कैपिटल। तो ये तो फार्मूला बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ए अकेला ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए आंसर इज हियर। लास्ट वन इज ए जो है वो आपके पास मौजूद है, यानी ए में है 12, एल हमें मालूम नहीं, और सी जो है वो हमारे पास है 10। सिंपल, हमने फॉर्मूला लिख लिया है। तो ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस जिसको आपने इस तरीके से सॉल्व करनी है। ये तो मैं बहुत छोटे पैमाने पर बात कर रही हूँ, लेकिन हम जैसे ही बड़े पैमाने पर बात करेंगे और बड़े लेवल पर क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग में मदद देगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी, और फर्दर मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ने लगी हूँ, और ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा इसमें से ठीक लगता है। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वाला ठीक है। एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो ये मैंने कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस आपके सामने लिखी हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सी है जो इनकरेक्ट है, मे बी एक हो या फिर दो इनकरेक्ट हो। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साइड में एक बेल आइकन होगा वो भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट कोई भी आने वाली वीडियो आपको फौरन से मिल जाए। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट। और हाँ, जाने से पहले अपने फैमिली के लिए और कंट्री के लिए एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। फिर अमान अल्लाह।